आज की हमारी रेसिपी है ढाबा स्टाइल पनीर मसाला। बहुत टेस्टी रेसिपी है, सिंपल भी है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको अपने इंग्रेडिएंट्स दिखा देते हैं। हमने यहाँ पर कुछ पनीर के क्यूब्स लिए हैं, जिनको हमने इस तरह शेप में काट लिया है। साथ ही हमने एक बड़ा प्याज लिया है, इसको हमने दरदरा पीस लिया है, आप बारीक चॉप भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 5 टमाटर को मिक्सी में पीस कर पेस्ट बना लिया है। आप चाहे तो कद्दूकस कर सकते हैं। इस तरह से आपको एक पेस्ट तैयार करना है। हमने लिया है 1 बड़ा चम्मच बेसन, देसी घी, साथ ही हमने यहाँ पर 3 इलायची, 3 से 4 लौंग और दालचीनी को थोड़ा दरदरा पीस लिया है। 1 अदरक का पीस, जिसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। लहसुन 7 से 8 कलियां, इनको भी हमने बारीक चॉप किया हुआ है। कसूरी मेथी लगभग 1 चम्मच। ड्राई मसालों में हमने लिया है हल्दी, कश्मीरी मिर्च, नमक, जीरा, गरम मसाला, धनिया पाउडर और ब्लैक पेपर, काली मिर्च, साथ ही ग्रेवी में इस्तेमाल करने के लिए पानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में पनीर के क्यूब डालेंगे, साथ ही हम उसमें लगभग 1 चम्मच, छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। साथ ही हम लेंगे धनिया पाउडर लगभग 1 चम्मच, गरम मसाला आधा छोटा चम्मच और नमक, नमक भी हमने यहाँ पर आधा चम्मच के आसपास लिया है। अब हम इसमें लगभग 2 चम्मच पानी डालेंगे और अच्छे से इनको मिक्स करेंगे, ध्यान से, जिससे कि हमारा जो पनीर है वो ब्रेक ना हो, टूटे नहीं। और इसको अच्छे से हम इस तरह से मिक्स करते हैं। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि सभी मसालों का फ्लेवर पनीर में बहुत अच्छे से आ जाए। तब तक हम अपनी ग्रेवी तैयार करेंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है, हम इसमें 2 बड़े चमचे ऑयल लेंगे और साथ ही हम इसमें 1 बड़ा चमचा देसी घी लेंगे। जब हम ढाबे के स्टाइल में सब्जी बनाते हैं तो उसमें हम दोनों चीजों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसमें फैट भी थोड़ा ज्यादा होता है। क्योंकि आपने अगर ढाबे पर सब्जी खाई होगी तो आपने देखा होगा कि वो थोड़ी सी ऑयली होती है, उसमें फैट ज्यादा होता है, तो इसलिए हम उसमें देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, घी भी मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। अब हम इसमें जो हमने इलायची, दालचीनी और लौंग को दरदरा पीसा था, उसको भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। जब हम कोई रेस्टोरेंट स्टाइल में सब्जी बनाते हैं तो उसकी जो ग्रेवी होती है वो बहुत स्मूथ होती है, क्योंकि उसमें मसालों को एकदम पीस के यूज किया जाता है। लेकिन जब हम ढाबा स्टाइल में सब्जी बनाते हैं तो उसमें हम मसालों को थोड़ा दरदरा करके यूज करते हैं, उससे उसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा डिफरेंट भी आता है और अच्छा लगता है। अब हम इसमें लहसुन, जो हमने बारीक चॉप किया हुआ था, और जो हमने अदरक के पीसेस लिए थे वो भी ऐड कर देंगे, उनको भी हम साथ ही भून लेंगे। आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज होने लगा है, हमारे मसाले अच्छे से भून गए हैं। इसको भूनने में हमें 3 से 4 मिनट लगी है। अगर आपकी प्याज की क्वांटिटी ज्यादा है तो आपको थोड़ा ज्यादा भूनना होगा, बस आप ध्यान रखिएगा उसमें से खुशबू आने लगे। और जितना भी फैट है वो देखिए, आप देख सकते हैं उसने चारों तरफ छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, इसका मतलब आपकी प्याज अच्छे से भून गई है।
चलिए अब हम इसमें अपने ड्राई मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथ ही 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा ब्लैक पेपर। अगर आपके पास में सौंफ और भुना हुआ जीरा पाउडर है तो आप 1 चम्मच वो भी ऐड कीजिएगा, और नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप ऐड करेंगे तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। सभी मसालों को लो फ्लेम पर हम अच्छे से भून लेंगे। फ्लेम को लो रखिएगा जिससे कि आपके मसाले जले नहीं। साथ ही हम इसमें कसूरी मेथी भी ऐड करेंगे। मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसमें बेसन डालेंगे, इसको भी हम अच्छे से भूनेंगे। बेसन का इस्तेमाल हम ग्रेवी में थिकनेस के लिए करते हैं। आप बेसन की जगह आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे पानी और ग्रेवी अलग अलग नहीं होती है, वो अच्छे से मिक्स हो जाती है। तो आप दोनों में से किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। बेसन और आटा दोनों से ही एक जैसा ही काम होता है। बेसन भी अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे जो हमने घर पर ही बनाई है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें 1/2 चम्मच नमक डाला है। अब हम इसको ढक देंगे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। हम इसको ढककर छोड़ देंगे जिससे कि टमाटर अच्छे से पक जाए। एक बार हम अपनी ग्रेवी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें ऊपर की तरफ फैट आ गया है, यानी कि हमारी ग्रेवी अच्छे से भुन गई है। अभी हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। तब तक हम एक दूसरी गैस पर पनीर को हल्का सा घी में सोटे करेंगे। हम एक पैन में 1 चम्मच के आसपास देसी घी लेंगे। घी हमारा गर्म हो गया है। जो पनीर को हमने मसालों में रखा था उसको हम घी में डाल देंगे। गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा सोटे करना है घी में, इससे ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। ये आप जरूर कीजिएगा, इससे पनीर का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। पनीर हमारा हो चुका है, इसको अब हम ग्रेवी में डाल देंगे। हम ग्रेवी में ऐड कर देंगे। हल्के हाथ से इसको हम चलाएंगे। अब हम इसमें लगभग 1 कप पानी डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। और 10 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। हमारा पनीर मसाला एकदम तैयार है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। हमारा ढाबा स्टाइल पनीर मसाला एकदम तैयार है। बहुत टेस्टी है। लच्छे पराठे के साथ या बटर नान के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसको ट्राई कीजिए।
और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही मेरी रेसिपीज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।